जंगल में एक बहुत खूंखार बाघिन थी जो हर समय अपने अत्याचार से सभी जंगली जानवरों को खूब परेशान किया करती थी। हर कोई यही चाहता था कि वो बाघिन किसी तरह इस जंगल से बाहर चली जाए, मगर बाघिन की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी और उसके गुस्से के कारण बहुत सारे पशु पक्षी अपनी जान खो बैठे थे। एक दिन गर्भवती होने के कारण अचानक बाघिन की तबीयत काफी खराब हो जाती है। वो इलाज के लिए दूसरे जंगल जाने की बहुत कोशिश करती है, मगर उसके शरीर में इतनी जान ही नहीं थी कि वो उठ पाती या फिर चलकर दूसरे जंगल जा पाती। वो आसपास लोगों की मदद पुकारने लगती है। अरे कोई है, मेरी मदद करो, अरे इस जंगल में कोई नहीं है क्या? इतनी देर में वहाँ पास से एक बकरी गुजर रही थी। बकरी ने बाघिन की तड़पती हुई आवाज सुनी तो उससे कहा, क्या हुआ बहन, परेशानी है क्या, मुझे बताओ। अरे अरे तुम बकरी, अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं माँ बनने वाली हूँ, कुछ ही पलों में मेरा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा, मगर मेरी तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं, मैं जानती हूँ बच्चा देने के बाद मैं जिंदा नहीं बचूंगी, मुझे बस यही चिंता है कि मेरे बच्चे का ख्याल कौन रखेगा, यह सोच सोच कर मेरी आत्मा को बहुत कष्ट पहुँचेगा, मैंने बहुत बुरे कर्म किए हैं, जंगल में बहुत सारे पशु पक्षियों को मार कर खा चुकी हूँ, शायद इसीलिए भगवान मुझे ये सजा दे रहा है। बकरी बकरी को बाघिन पर बहुत तरस आता है, वो कहती है, तुम चिंता मत करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, और हाँ भगवान ना करे अगर तुम्हें कुछ हुआ तो तुम्हारे बच्चे की जिम्मेदारी मेरी, मैं उसका ख्याल रखूंगी। अभी बकरी अपनी बात कह ही रही थी कि अचानक तुरंत बाघिन की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है, बच्चा हो जाता है लेकिन बाघिन की मृत्यु हो जाती है। जंगल के सभी जानवर अफसोस प्रकट करने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं और तब बकरी सबसे कहती है, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मरने से पहले बहन बाघिन ने अपने बच्चे की जिम्मेदारी मुझे दी है। अभी बकरी ने अपनी बात कही थी कि अचानक सामने से हाथी कहता है, ये कैसे हो सकता है बकरी, तुम जानती नहीं है किसकी औलाद है, इसकी माँ ने मेरे बच्चे को खाया था, अब इसे कौन बचाएगा, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बस इसी तरह बाकी जंगल के जानवर भी बकरी पर नाराज होते हैं और उसे कहते हैं कि इस बच्चे को जंगल से बाहर फेंक देना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर राजा शेर आ जाता है और सारी बात सुनने के बाद बकरी से कहता है, मैं बकरी की प्रशंसा करता हूँ कि उसने मरते हुए उस बाघिन को माफ किया और इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली, हम सबको उसकी मदद करनी चाहिए इस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करने में। राजा शेर की बात सबको समझ में आ जाती है, बकरी राजा शेर को धन्यवाद करती है और उस बच्चे को लेकर अपने घर चली आती है और उसका बहुत अच्छे से पालन पोषण करने लगती है। गाय और लोमड़ी की दोस्ती। एक दिन एक गाय खाने की तलाश में घूम रही थी, वो बहुत जल्द माँ बनने वाली थी इसीलिए उसे बहुत ज्यादा खाना खाना पड़ता था, उसे बहुत भूख लगा करती थी। बहुत जल्द मेरा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा और फिर वो हंसेगा, खेलेगा, जंगल की सैर करेगा, बता क्या खाएगा मेरे बच्चे? उसका आज कुछ बहुत अच्छा फल खाने का जी कर रहा था। तभी वो जंगल के ऐसे स्थान पर पहुंची जहां बहुत सारे फलदार वृक्ष थे, मगर इस बात से अनजान थी कि वहीं पर बब्बर शेर किसी शिकार की तलाश में घूम रहा है। बब्बर शेर जैसे ही गाय को देखता है तो सोचता है, अरे वाह, आज तो बढ़िया शिकार मिला है, मगर मैं इसे कैसे खा सकता हूँ, ये तो माँ बनने वाली है, मुझ पर पाप चढ़ जाएगा, क्या करूं क्या करूं। थोड़ी देर बाद राजा शेर की सहायक लोमड़ी वहां आ जाती है
बिल्कुल सही सोचा है आपने राजा शेर। एक गर्भवती गाय को खाने से आपके सर पर पाप चढ़ सकता है, मगर शायद बहुत जल्द आप इसे खा सकते हैं। मेरे हिसाब से बहुत जल्द बच्चा होने वाला है। जरा ध्यान से देखिए, वो तड़प रही है। हो सकता है उसका बच्चा अभी हो जाए। अरे वाह, तब तो दो दो शिकार। मैं खा जाऊंगा गाय को भी और उसके बछड़े को भी। क्यों लोमड़ी, क्या कहती हो? बिल्कुल ठीक कहा राजा जी, मगर अभी आपको यहाँ से थोड़ा बाहर जाना चाहिए। जब तक बच्चा नहीं हो जाता, आपका यहाँ रहना ठीक नहीं। लोमड़ी बहुत समझदार थी। वो अपनी बातों में उलझाकर राजा शेर को गाय से दूर करना चाहती थी। जैसे ही गाय बच्चा देती है, लोमड़ी उस बच्चे को लेकर और गाय को सारी बात समझाकर वहाँ से बहुत दूर ले जाती है। थोड़ी देर बाद जब राजा वापस उसी जगह पर आता है, तो देखता है कि ना तो वहाँ पर गाय है, ना बछड़ा और ना ही लोमड़ी। और उधर लोमड़ी गाय से कहती है, आज मैंने अपनी जान पर खेलकर तुम्हारी मदद की है। अपने बछड़े को देखो और उसका ख्याल रखना। मैं राजा शेर को किसी नई बात में फंसा कर तुम्हारी कहानी सुना दूंगी। गाय लोमड़ी का बहुत शुक्रिया अदा करती है। नकली सफेद भालू और रंगीन शेर का लुटेरों पर कहर। जंगल में अचानक कुछ लुटेरे आ जाते हैं, जो कई सारे पेड़ काटने लगते हैं और अपने अपने घर ले जाना चाहते हैं। जंगल में मिलने वाली जड़ी बूटियों को भी ये लुटेरे लूट रहे थे। ये बात जब रंगीन शेर को पता चली तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है और उन पर आक्रमण करने की सोच लेता है। तभी वहाँ बैठा कौवा राजा शेर से कहता है, महाराज ये सारी बातें तो आपकी मुझे समझ में आ गई कि आप उनसे युद्ध करना चाहते हैं, मगर जरा ये तो सोचिए, आखिर वो हमसे डरेंगे क्यों? वो पहले ही जानते हैं कि आप यहाँ के राजा हैं। अगर उन्हें आपसे डर होता तो वो ये सब करते ही नहीं। आपको अपने साथ कोई देवीय शक्ति या कोई चालाक चीज लेकर जानी चाहिए, जिसे देखकर ही वो भाग जाए और आपके सर पर किसी को मारने का दोष भी ना लगे। महाराज आप भूल रहे हैं, पंडित ने आपको कहा था कुछ समय के लिए आपको कोई मृत्यु नहीं करनी है। राजा शेर को पंडित की कही हुई बात भूल चुकी थी। राजा को अब कौवे ने याद दिला दिया था, इसीलिए वो कहता है, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे ये बात याद दिला दी, मगर ऐसा क्या करूं जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। राजा शेर बहुत सोचता है। तब वो अपने दोस्त की उपहार में दी हुई एक सफेद रंग की खाल को लेकर बाहर आता है। गुफा से बाहर आकर राजा शेर भालू से कहता है, देखो भालू ये सफेद रंग की खाल पहन लो, तुम भी मेरी तरह रंगीन हो। जब हम आक्रमण करने के लिए उन लुटेरों के पास पहुंचेंगे तो इस तरह का सफेद भालू देखकर वो जरूर कांप उठेंगे, क्योंकि इस तरह के भालू हमारे देश में होते ही नहीं हैं। पहली बार इस तरह का भालू देखकर उनकी हालत जरूर खराब होगी और वो बिना युद्ध किए ही भाग जाएंगे। जो आज्ञा महाराज। भालू राजा की बात मानकर वो सफेद खाल पहन लेता है। रंगीन शेर और सफेद भालू पूरी तैयारी के साथ युद्ध के लिए निकलते हैं। बस राजा शेर यही दुआ कर रहा था कि उसे किसी को मारने का मौका ना मिले और सब कुछ आराम से हो जाए। होता भी बिल्कुल वैसा ही है। लुटेरे जैसे ही भालू और राजा शेर को देखते हैं, राजा शेर सिर्फ दहाड़ता है और भालू भागता हुआ लुटेरों के पास पहुँचता है। सारा सामान छोड़कर लुटेरे तुरंत भाग जाते हैं और वापस कभी लौट कर नहीं आते। तो इस तरह चतुराई के साथ सफेद भालू की मदद से रंगीन शेर कामयाब हो जाता है। इसी के साथ राजा शेर बहुत ज्यादा शुक्रिया कौवे का भी करता है और कहता है, कौवे तुमने मेरी बहुत मदद की है। यूं तो ये सारा प्लान मेरा था, मगर याद दिलाने की ये खूबी तो तुम में ही है, वरना मैं तो उन्हें कब का मार देता क्योंकि गुस्से में जो था। इस तरह सारे जंगल में खुशियां छा जाती हैं और राजा शेर अपनी गुफा में आराम करने के लिए चला जाता है। अनोखे दोस्त। चंदन और राघव
बहुत पक्के दोस्त थे। दोनों के पास कोई काम धंधा तो था नहीं, सारा दिन गांव का पूरा चक्कर लगाते और जंगल में घूमने चले जाते। एक दिन पूरे गांव में एक बहुत बड़ी अफवाह फैल गई थी कि गांव के बैंक में बहुत जल्द लुटेरे डाका डालने वाले हैं। बहुत समय से गांव में डकैती की वारदातें होती जा रही थी, ये बात दोनों दोस्त जानते थे। अरे यार, ये कौन डकैत है? कमाते धमाते नहीं, आसानी से पैसा चोरी करते हैं और जीवन व्यतीत करते हैं। मगर ये गलत बात है यार, ऐसे लोगों की मेहनत का पैसा ले लेना कोई अच्छी बात नहीं। तो हमें जाकर इनकी तलाश करनी चाहिए, अगर मिल जाए तो पुलिस के हवाले कर देंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो देखो पुलिस ने उन्हें पकड़ने पर 10,000 का इनाम भी रखा है। दोनों दोस्त इनाम की राशि पाने के लिए अब बहुत मेहनत करते हैं। वो चाहते हैं कि उनके गांव में ये बैंक लूटा भी ना जाए और लुटेरे पकड़े जाएं। दोनों दिन रात लुटेरों की खोज कर रहे थे। अचानक तभी उनका ध्यान घोड़ों की आवाज पर गया जो आधी रात को आ रही थी। अरे दोस्त, ये घोड़ों की आवाज कैसी, चलो पीछा करते हैं। दोनों दोस्त घोड़ों की आवाज का पीछा करते हैं और देखते हैं कि जंगल के बीचों बीच घोड़ों के ऊपर बैठे हुए डकैत किसी मजदूर से बहुत ज्यादा खुदाई करवा रहे हैं। थोड़ी देर बाद डकैत वहां से चले जाते हैं। दिन आने पर दोनों दोस्त वहां जाकर देखते हैं कि वहां खुदाई से सुरंग बनाने का काम चालू है। वो सुरंग सीधा उनके गांव के बैंक तक जाती है। ये बात वो पुलिस को बताते हैं और पुलिस मौका पाते ही डकैतों को पकड़ लेती है। अरे वाह, तुम दोनों ने तो बहुत अच्छा काम किया। पुलिस को सूचना देने के बाद ये 10,000 की रकम अब तुम्हारी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों दोस्त अब बहुत खुश थे। डकैत उनसे कहता है, हाँ, तुम दोनों की वजह से मेरा सारा प्लान खराब हो गया। मैं बाहर निकलकर तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। अरे जाओ जाओ, लोगों को ठगने वाले, लोगों की मेहनत का पैसा लेने वाले, जाओ और जाकर जेल में चक्की पीसो, धमकी नहीं चलेगी। दोनों दोस्त बड़े इतराते हुए अपने घर 5,000 रुपए ले जाते हैं और नया बिजनेस शुरू करते हैं ताकि अब वो अपनी मेहनत से कमा सके और अपना जीवन अच्छे से बिता सके।